हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, वेरी गुड लाइफ टू यू। मैं आपका अपने डेस्क पे स्वागत करती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या है? ये मोस्टली औरतों को ही होता है। मोस्टली क्यों, ये औरतों की ही बीमारी है। ये क्या बीमारी है? हिस्टीरिया इज़ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी कन्वर्शन डिसऑर्डर है, यानी सेंसरी एंड मोटर डिस्टरबेंस है, एक साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। ये इमोशंस की वजह से जिस्म को प्रभावित करती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले क्रेविंग फॉर इलिसिट अटेंशन। ऐसी औरतें हर वक्त चाहती हैं कि जब वो बने संभरें या कुछ करें, उनको हर वक्त अप्रिसिएशन मिले। और वो एक तरह का मैनिया होता है जिसे हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं, नार्सिसिज्म कहते हैं। इसमें सेल्फ लव यानी एक्सेस ऑफ सेल्फ लव होता है। अगर थोड़ी सी भी इनकी तरफ अटेंशन कम होती है तो ये बहुत तरह के बहाने करने लगती हैं अपनी तरफ, सबकी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। कभी दिखाती हैं कि ये बीमार हैं, कभी गिरने का बहाना करती हैं, लेकिन वो बहाना करते करते वो बीमारी इनके बहुत अंदर तक समा जाती है। इसका जो अगला सिम्टम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की नली पे इफ़ेक्ट होता है। थर्ड है फेंटिंग, ये बेहोश भी हो जाती हैं। डिजीनेस, इनको चक्कर आते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं। रिटेंशन ऑफ ह्यूमर्स और फ्लूइड्स इन यूट्रस, जो इनकी सप्रेस सेक्चुअल डिज़ायर्स हैं उसकी वजह से इनको ये बीमारी होती है। एंग्जाइटी, पैनिक, एग्रेशन, एक्साइटमेंट, ये बहुत वायलेंट भी हो जाती हैं और बहुत गुस्से में भी आ जाती हैं। इनको डर भी लगता है और जब इनको फिट पड़ता है तो या तो ज़रूरत से ज़्यादा रोती हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हंसती हैं, या हंसते हंसते रोने लगती हैं, रोते रोते हंसने लगती हैं। नौसिया होता है यानी मितली होती है। एब्डोमिनल पेन होती है, पेट में दर्द होती है और बहुत अफारा होता है, गैस बहुत बनती है। नेक्स्ट है कन्वल्शन भी होने लगते हैं, हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, ट्रेम्बलिंग होती है, हाथ पैर कांपते हैं, स्ट्रेस होता है। और उसी इन लोगों को बहुत ज़्यादा फिक्रें होती हैं घर की, और इनको इस तरह के फिट आते भी इसलिए हैं, जैसे कि हिंदू सोसाइटी में जब औरत ब्याही जाती है या ब्याह होता था, खासकर पुरानी औरतों को, तो बहुत छोटी उम्र में शादियां होती थी और छोटी उम्र में ही उनको घर के सभी कामकाज सुबह से रात तक संभालने पड़ते थे और संतानें भी बहुत होती थी, 8-10 संतान होती थी, और सबकी केयर करना, सारा दिन किचन में गुजारना, तो उन्हें एक फिक्र रहती थी ये काम समय से होगा कि नहीं होगा। तो वो फिक्र उनके बहुत अंदर तक जाके उनमें तनाव लाती थी, स्ट्रेस लाती थी, जिसकी वजह से कई बार लगता था कि उनमें ताकत नहीं है इतने जिम्मेदारियां संभालने की, तो वो एकदम से उनको चक्कर आता था और वो फेंट हो जाती थी। इसके नेक्स्ट सिम्टम है हिचकी लगना, हाई कफ, और क्रंच टीथ, दांत भी जाते हैं, और तरह तरह की हरकतें ये औरतें करती हैं। इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। सबसे पहला एसाफोटिडा, मींस हींग से बनी दवाई, क्योंकि एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मितली होती है, गैस्ट्रिसाइटिस होती है, और हींग इन सब पेट की बीमारियों को, डाइजेशन की बीमारियों को, एलिमेंट्री सिस्टम की बीमारियों को, फूड पाइप की बीमारियों को ठीक करता है। कहते हैं कैम्फर, कैम्फर एक बहुत अच्छी दवाई है। जब पहले औरतों को एपिलेप्सी के, मिर्गी के या हिस्टीरिया के फिट्स पड़ते थे तो उनको कुछ लोग जूता सुंघाने लगते हैं, कुछ लोग प्याज सुंघाने लगते हैं, और कहते हैं पहली औरतें जो सेक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं होती थी उनको इतर सुंघाया जाता था, उनके जिस्म पे फिट्स के दौरान ही इतर का स्प्रे करते थे, और जब उसकी हवा उनकी सांस की नलियों में जाती थी तो
उनको रुकावट महसूस होती थी और वो उठ के खड़ी हो जाती थी और उनका वो जो हिस्टीरिया का फिट होता था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है अभी मालूम नहीं है। नेक्स्ट है साइक्यूटा वायरोसा एंड क्यूप्रमेट। ये हाथ पैर को जो कन्वल्शंस होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, ट्रेम्बलिंग होती है, उसकी बेस्ट दवाई है। मैं आपको इसी बीच में एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने एपिलेप्सी पे भी एक लेक्चर तैयार किया है, लेकिन वो भी बहुत सिमिलर है। अगर आप इस लेक्चर में दो मेरे सेंटेंस सुन लें तो आप इन्हीं दवाइयों से दोनों बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। जो एपिलेप्सी है वो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से होती है, वो न्यूरॉन्स के डिस्टर्बेंस से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिस्टर्बेंस से होती है और वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन हिस्टीरिया कुछ तो नेचुरल है, कुछ अपनी बनाई हुई बीमारी है। लेकिन दोनों की दवाएं एक हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके इस लेक्चर को ध्यान से सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद करें, तो मेरा हौसला ये बढ़ेगा कि मैं एक ही लेक्चर में आपको तीन तीन मेडिसिन और तीन तीन बीमारियों को क्लियर अप कर दूं। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमिसिफ्यूज़ा। सिमिसिफ्यूज़ा जो है एक्टिया रेसिमोसा, सिमिसिफ्यूज़ा रेसिमोसा, जितनी रेसिमोसा स्पीसीज की मेडिसिन्स हैं वो सभी औरतों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। और हर औरत को जो मानसिक बीमारी होती है, चाहे वो मेनोपॉजल हो चाहे वो मेंस्ट्रुअल हो, और आप देखेंगे कुछ लोगों को ये जो फिट पड़ते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान नहीं पड़ते, वो पड़ते हैं या तो मेंसेस आने से 5-6 दिन पहले या मेंसेस गुजर जाने के 5-6 दिन बाद, क्योंकि उस दौरान उनको बहुत अंदर कमज़ोरी होती है, इसलिए उनको उस कमज़ोरी से इस तरह के फिट पड़ते हैं। और ये एनीमिक जो औरतें हैं उनको ज़्यादा पड़ते हैं। इसलिए सिमिसिफ्यूज़ा जो कि सेक्सुअल सप्रेशन की वजह से है, आप हमेशा याद रखें कि सिमिसिफ्यूज़ा औरतों का एक टॉनिक है और वो टॉनिक इनको बहुत तरह की बीमारियों से, मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट है कोनियम। कोनियम इसमें टांगों में बहुत कमज़ोरी फील होती है, टांगें कांपती हैं और चक्कर आते हैं, और कोनियम हिस्टीरिया और एपिलेप्सी दोनों की बेस्ट दवाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं इग्नेशिया पे, जो आठवीं दवाई है। ये इग्नेशिया में आप अगर ये देखेंगे, अभी पेशेंट हंस रहा है, अभी रोने लगता है, रोते हंसने लगता है, मींस हंसना रोना अल्टरनेट होता है, और ये मोस्टली इस तरह के फिट्स ग्रीफ की वजह से आते हैं। आप फिर मेरी बात ध्यान दें, कुछ लोगों को जब ग्रीफ होता है तो उनको एपिलेप्सी का भी फिट पड़ सकता है, उनको हिस्टीरिया का भी फिट पड़ सकता है। इसलिए आप इग्नेशिया दें और कुछ डोजेस से वो औरतों की ये बीमारी आना ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कैलिफोस। कैलिफोस तो हर मसाले पिपला मूल है, क्योंकि कैलिफोस ही एक वो साल्ट है जो पोटाशियम है, और पोटाशियम हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, और अगर वो ऑप्टिमम रेट में प्रोड्यूस नहीं होता तो हमें हर तरह की मानसिक बीमारियां आएंगी, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल साइड से रिलेटेड हैं, चाहे वो इमोशनल फील्ड से रिलेटेड हैं। तो आप कैलिफोर्स हमेशा उस औरत को दें, उस औरत को क्या, इस दुनिया के हर इंसान को कैलिफोर्स देना ही चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मॉस्कस। मॉस्कस यानी कस्तूरी, नक्स मॉस्काटा, ये ऐसी दवाइयां हैं। और नेट्रम म्यूर दिमाग के साल्ट को बैलेंस रखता है, ना साल्ट जमा होने देता है ब्रेन में, ना साल्ट को वहाँ खाली होने देता है। नेट्रम म्यूर सिर के चक्कर आना और नेट्रम म्यूर दिमाग में परेशानी आना सबको ठीक कर देता है। मॉस्कस और नस मॉस्काटा जो है वो बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन आयुर्वेद में कस्तूरी मिलना, असली कस्तूरी तो बहुत कीमती होती है, वैसे रेयर होती है। तो हम आयुर्वेद में एक कपूर कचरी होती है
और वो जो कचरी और कपूर कचरी होती है और एक कचूर होता है वो मार्केट में मिलता है, अगर आप सब्जी वालों से मांगेंगे मसाले वालों से तो वो सूखे हुए गोल गोल पीसेस मिलते हैं जो कचूर और कपूर कचरी के जड़ें होती हैं, के मोटी जड़ें होती हैं जिसके पीसेस मिलते हैं, अगर वो भी इंसान को दिए जाएं तो उसकी बहुत सी मानसिक तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। और हम नेक्स्ट चलते हैं प्लेटिना पे, उन औरतों को जिन्हें बहुत अटेंशन चाहिए और वो हर जगह अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाना चाहती हैं और दूसरी औरतों की हर वक्त निंदा करती हैं और वो ऐसे सबको देखती हैं जैसे कि दूसरा बेकार है, वो ही फाइन कपड़े पहन सकती हैं, वो ही फाइन कीमती से कीमती सामान खरीद सकती हैं, वो ही बेस्ट हैं। तो अगर इस तरह की उनकी डिज़ायर को कोई फीड नहीं देता तो वो हिस्टेरिक हो जाती हैं। तो अगर इस तरह की औरतें हैं तो उनको आप प्लेटिना ज़रूर दें। पोटेंसी 200 और 1M मैं चूज़ करती हूँ क्योंकि मैं 30 इसलिए चूज़ नहीं करती कि ये बीमारी क्रॉनिक है, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि 2 दिन हो और फिर ठीक हो जाए, ये बीमारी दोबारा महीने बाद भी आ सकती है, 15 दिन बाद भी आ सकती है। इसलिए आप जो पोटेंसी चूज़ करेंगे वो आप किसी सयाने होम्योपैथ से पूछ के चूज़ करें, डोजेस कितनी देनी है ये भी आप पूछ के करें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो जिस फ्रीक्वेंसी से जिस तेज़ी से ये फिट्स आते हैं और जिस तरह का औरत रिएक्ट करती है, शाउट करती है, उस फ्रीक्वेंसी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो 1 महीने में फिट आता है वो 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद फिर आप ट्रीटमेंट देंगे, फिर वो 1 साल बाद आएगा। इस तरह से ड्यूरेशन भी चेंज होती जाएगी और वो माहौल भी घर का जितना टेंस होता है उस टेंशन में बहुत कमी आएगी। आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक मेरे लेक्चर्स को लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।